अभी हम लोग को होटल रूम तो मिला नहीं एंड हम लोग को पता नहीं हम लोग कहाँ पे रहने वाले आज रात को। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज है सैटरडे एंड आज कनाडा में लॉन्ग वीकेंड शुरू हो चुका है। सैटरडे संडे मंडे तीन दिन का हमारा छुट्टी है एंड आप समझ ही गए होंगे टाइटल से कि हम रोड ट्रिप के लिए बाहर निकल चुके हैं घर से। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45, इसमें 8:50 दिख रहा है क्योंकि मेरा गाड़ी नहीं, इसमें 8:50 हाँ क्योंकि मेरा गाड़ी 5 मिनट आ गए। सुबह हम लोग निकल रहे हैं टोबरमोरी की तरफ एंड यहाँ से 5.5 घंटे का ड्राइव है। वहाँ पे बीचेस है, अलग अलग काफ़ी कुछ वहाँ पे घूमने का जगह है। सो हम लोग सैटरडे संडे वहाँ पे स्पेंड करेंगे। अगर अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया तो हम लोग मंडे को भी वहीं पे रुक जाएंगे बिकॉज हमको मंडे को भी छुट्टी है। सो ये एडवेंचर में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आपको जैसा हम एंजॉय करेंगे तीन दिन आपको देखने में भी मज़ा आएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल अभी से ही क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे आगे। एंड अभी हम लोग निकलते हैं, सब बैग्स वैग सब हमने लोड कर लिया है। हनी भी रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गया हूँ, ये एलोवेरा जेल भी अभी लगाना है मुझे। सो चलते हैं, पहले हम लोग जाएंगे एज यूजुअल टिम हॉर्टन्स, वहाँ से फिर हम लोग हाईवे पकड़ के निकलते हैं। मैं आपको पूरा जर्नी दिखाता हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। सो अभी हमने टिम से कॉफ़ी तो ले लिया है, एक मिनट पहले अंदर बैठ जाता हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। आज पता नहीं वेदर एकदम सा ग्लूमी ग्लूमी सा लग रहा है। कल रात को ऐप पे चेक किया था तो अच्छा खासा सनी दिख रहा था, बट शुरुआत तो थोड़ा ग्लूमी है। बट अभी मैं देख रहा था ऐप पे 2-3 बजे के बाद सनी दिख रहा है। आई होप सनी हो क्योंकि वहाँ पे बीचेस पे हमको बीच पे उतरना भी है, तो आई होप थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हो जाए। सो टिम तो यहाँ से ले लिया हमने। वैसे तो रास्ते में काफ़ी सारे ऑन रूट आते हैं जैसे हम टिम ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता है अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ से अभी ले लिया है। 5.5 घंटे का ड्राइव है रास्ते में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रोड्स है, कैसा वेदर कंडीशन है, मैं सब आपको अपडेट करते रहूँगा। वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना हम करने वाले हैं। चलिए तो अभी हम लोग जो 401 का जो बड़ा हाईवे था, मेन हाईवे, उसको हमने एग्जिट कर लिया है एंड अभी ये हम लोग इंटरनल गांव वाले रोड से निकल रहे हैं। तो आप इसका जो सीनरी है इतना मस्त है, इतना खूबसूरत है। हालांकि सिर्फ वन वे लेन ही है, मतलब दोनों साइड से एक ही लेन है, लेकिन जो आजू बाजू में खेत ग्रीनरी जो इतना मस्त है ना, देख के मज़ा आ रहा है। तो अभी और 4 घंटे का ड्राइव दिखा रहा है तो चलते हैं और आप भी ये व्यू का अभी मज़ा। जब लगता है ना कि ये रोड से और अच्छा क्या ही व्यू आएगा रोड पे, तो उससे भी अच्छा कुछ देखने को मिल जाता है। ये देखो, ये दोनों साइड पे जंगल ही जंगल है। मुझे नहीं उसको देखा, दोनों साइड पे जंगल है, दोनों साइड पे झाड़ है और बीच में ये हाईवे जा रहा है। थोड़ा सनी नहीं, अभी तो अभी क्लाउडी है और 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सनी दिखा रहा है वेदर, लेकिन क्या मस्त व्यू है। काम करो, आप लोग भी ये व्यू का मजा लो, हम भी मजा लेते हैं, आपके टाइम लैप्स को एंजॉय करो। सो अभी हमने चलाया है 248 किलोमीटर एंड रफली अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से गाड़ी हमको एवरेज दे रहा है, जो काफी अच्छा है। एंड अब यहाँ पे रुक के थोड़ी देर हम लोग एक 4-5 मिनट का ब्रेक लेंगे। सामने है मैकडोनल्ड्स और वहाँ से हम लोग फ्रेंच फ्राइज में भी लेके फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। अभी सिर्फ हमने आधा जर्नी कंप्लीट किया है और आधा जर्नी बाकी है। रोड्स बहुत मस्त है, सिंगल लेन है मतलब दोनों साइड पे, लेकिन जो सीनरी है आजू बाजू में झाड़ और ग्रीन जो पैचेस है बहुत मस्त है। और जितना हो सके मैंने आपको पहले दिखाया, और कुछ नया आता तो मैं वो आपको दिखाता हूँ।
सो अभी हम लोग फटाफट थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर थोड़ा स्ट्रेच करके यहाँ से निकल दे एंड देन मैं आपको आगे बताता हूँ क्या सीन है। सो बने रहिए ब्लॉग में। सो अभी हम लोग वॉलमार्ट से तो निकल गए, लेकिन वॉलमार्ट बोल रहा हूँ मैकडोनल्ड से तो निकल ही गए, लेकिन रास्ते में ये जो मेरा ट्राइपॉड है वो टूट गया। इसको थोड़ा सा जोर से मैंने ऐसे मोड़ने की कोशिश किया तो एक हाथ में ही मेरा इसका सीधा हैंडल आ गया। सो ये पूरा दो दिन विदाउट ट्राइपॉड जमेगा नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए यहाँ पे डॉलरामा पे रुका हूँ, फटाफट से जाके अंदर से ले लेता हूँ एंड देन हम लोग ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ से हमने ट्राइपॉड ले लिया है एंड वेदर भी अभी थोड़ा अच्छा होने लग गया है, जितना भी क्लाउड्स था वो जा रहा है और धूप निकल के आ रहा है। एनीवेज 2 बजे के बाद एनीवे सनशाइन ही दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं, इसको हम लोग फटाफट इसको असेंबल करना पड़ेगा एंड देन यहाँ से निकलते हैं। इसको पहले मैं ख़त्म कर लेता हूँ फिर आपको रास्ते में हम मिलते हैं। चलिए। सो अभी हम लोग सिर्फ 47 मिनट्स दूर है अपने लोकेशन से एंड पता नहीं समाओ हाईवे से हम लोग ये थोड़ा कच्चे से रास्ते पे आ गए। देखते एंड गूगल मैप पे बोला हुआ अपना वेदर्स पे दिखा रहा था एप्पल वेदर पे कि 2 बजे सनशाइन शुरू हो जाएगा और आप देखो अभी कितना ब्राइट मस्त सनशाइन आ गया है। बैकड्रॉप पे देखो मेरे बैक वाटर्स पे लोग बोटिंग वोटिंग कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे, बस थोड़े टाइम में हम लोग पहुंचने वाले, पहुंच के हम आपको दिखाते कि हम कहाँ पे रूम लेंगे क्योंकि हमने अभी तक तो कोई बुकिंग किया नहीं, एकदम स्पॉन्टेनियस प्लान था। तो पता नहीं तो वहाँ जाके देखेंगे कुछ आसपास कोई अच्छा सा होटल देख के फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए। सो फाइनली 5-5.5 घंटा ड्राइव करके हम लोग टॉबरमरी पहुंच गए हैं एंड ऐसे ही हम लोग LCBO के यहाँ पे रुके थे तो देख रहे थे क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ पे होटल का अभी हमको ढूंढना बाकी है, अपना इंडिया जैसा नहीं है सीधा GoIBO पे जाके सीधा चेक करके कर लो, थोड़ा मगज मारी है। सो अभी ढूंढ रहे कोई होटल रूम, मोस्टली सारे ऑक्यूपाइड है बिकॉज लॉन्ग वीकेंड है, सारे ऑलरेडी बुकड है। सो कुछ देखते हैं, इतना ज़्यादा लग्जरी वाला नहीं चाहिए हमको, हम लोग बेसिक भी चल जाएगा ना, बेसिक भी मिल जाए तो भी हम लोग को काम चला लेंगे, एक ही रात तो है। तो एनीवेज यही है टोबरमोरी और अभी सारे एक्टिविटीज़ है जो हम लोग करने वाले हैं आज। सो वो करते पहले रूम का हम लोग ये कर लेते, फिगर आउट कर लेते फिर मिलते। चलिए। सो ये हम लोग का 4th या 5th मोटेल है जहाँ पे हम लोग आए हुए देखने के लिए कि रूम है कि नहीं एंड यहाँ पे भी रूम नहीं, ऑनलाइन तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, ऐसा एक एक जगह पे ढूंढ के देख रहे तो फिर भी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग फंस गए, पता नहीं क्या करना है। अभी हम लोग सोच रहे कि पहले वो एक क्रूज वूज है वो कर लेते हैं, रूम का फिगर आउट कर लेंगे, नहीं हुआ तो ज़्यादा क्या, एक घंटा और थोड़ा उससे ट्रैवल करके वहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा आगे वहाँ पे भी एक बीच है तो देखते पहले भी वो एक एक्टिविटी करते एंड देन फिर फिगर आउट करते रूम का क्या है। चलिए। सो अभी हम लोग को होटल रूम तो मिला नहीं एंड हम लोग को पता नहीं हम लोग कहाँ पे रहने वाले आज रात को। सो बट हम लोग ने एक चीज़ कर लिया, हम लोग ये क्रूज़ पे जा रहे हैं एंड 1 आवर का क्रूज़ होगा। कौन सा आइलैंड पे जा रहे हैं ये? फ्लावर पॉट आइलैंड लेके जाएगा हमको एंड वो घुमा फिरा के फिर हम लोग 8 बजे के आसपास वापस आ जाएंगे। अभी बज रहे 5 बजे, बोर्डिंग टाइम है 5:05, तो हमको फटाफट चलना पड़ेगा एंड वहाँ पे चलते हैं। पता नहीं ये क्या है, ऐसे कुछ बड़ा सा बोट होगा उस पर हम लोग को घुमाएंगे वो लोग शायद से। सो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है एंड देन फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो अभी हम लोग एक क्रूज में जाने वाले एंड फिर देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। इस वीडियो को मैं यही पे एंड कर लेता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप तक नहीं किया होगा तो, ये देखने के लिए कि हमको होटल रूम मिलता है नहीं मिलता है, हम लोग गाड़ी में रहने वाले पता नहीं, वही देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो आ जाएगा एंड अब तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, दोस्तों का शेयर कर देना। अनटिल नेक्स्ट टाइम इट इज़ गुड बाय फ्रॉम मी, गुड बाय फ्रॉम हनी, बाय बाय।